कोई टंकी और फ्लो हो ही नहीं। अगर नाथद्वारा जाएंगे या द्वारिका आएंगे तो ये सबसे बड़ा मजा तो आपको ये दूध पीने में आएगा और साथ में रबड़ी। रबड़ी है कि नहीं? ये देखिए है ना, एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा। ये है गोमती घाट द्वारिका, अरब सागर से गोमती नदी का मिलन। जितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा है इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन्स मैंने यहाँ पर आते आते कैप्चर किए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उसके बाद हम घूमेंगे द्वारिका। जो पूरा ट्रैफिक देख रहे हैं ये शरद पूनम का ट्रैफिक है। शरद पूनम और द्वारिका का बहुत ही महत्व होता है यहाँ पे, नाथद्वारा हो या द्वारिका हो, पूनम का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। आज तो शरद पूर्णिमा है, सो इस दिन की तो बात ही कुछ और होती है। ये है गोमती नदी जाने का रास्ता। एक वक्त था जहाँ पर जब बोट से सामने वाले, मतलब जो पांच पांडवों के कुंड माने जाते हैं और लक्ष्मीनारायण का मंदिर जो है वो बोट के थ्रू वहाँ पे जाया जाता था। अब यहाँ पर सुदामा सेतु बन गया है, एज यू कैन सी ये सुदामा सेतु अब लोगों का यहाँ से वहाँ तक जाने का जरिया बन चुका है। ये ध्वजा देख रहे हैं आप भगवान द्वारिकाधीश की, और ये है यहाँ पर सुदामा सेतु। ये जो पांडवों के पांच कुएं कहे जाते हैं, ये हैं पांच कुएं। समंदर की सतह से बहुत ही नज़दीक ये कुआ है, स्वाभाविक बात है समंदर की सतह से जो कुआ नज़दीक होता है पानी उसमें खारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीठा पानी है तो मैंने भी अभी टेस्ट किया। उसके साथ लोग यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के बाद अगर आप थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो साथ में आपके लिए यहाँ पर ये डेजर्ट बाइक्स एंड कैमल्स वगैरह, कैमल राइड्स, आराम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेंचेस वगैरह हैं, फोटो सेशन के लिए आपके लिए ये सुदामा सेतु जो अल्टीमेट सेल्फी जोन बन चुका है। सो दिस इज द्वारिका नगरी। आज है रात्रि नो सीन द्वारिका नगरी नी बाजार नो। हमने कुछ उल्टा काम कर लिया, पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए थे, उससे पहले आज हम थोड़ा सुदामा सेतु घूम के आए
और साथ में हमने मार्केट का दौरा कर लिया। भगवान का मंदिर 9:30 बजे तक खुला रहता है, ये पीछे देख सकते हैं आप, भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर आपको दिख रहा है। लेकिन हम मंदिर में कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम आपको भगवान के दर्शन नहीं करवा सकते। उसके अलावा और क्या होता है मार्केट में, यहाँ की फूड वैराइटीज़, ये सारी चीज़ें जानेंगे। अच्छा, ये क्या है? तुलसी माला। और एक माला का क्या होता है? 10 रुपये का। और ये दोनों की अलग अलग वैराइटीज़ हैं, ये बली सो वाली आप देख सकते हैं, और ये 10 वाली है। और क्या क्या रहता है, भगवान को क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद होता है, देखिए आप यहाँ पे प्रसाद देख सकते हैं आप, भगवान को चढ़ाने के लिए भोग। अच्छा, ये कौन कौन सा प्रसाद रहता है भगवान के लिए? आइए दिखाता हूँ मैं आपको रियर कैमरा में क्या क्या होता है, भगवान को प्रसाद किस तरह से चढ़ाया जाता है। तो एज यू कैन सी, ये खाजा बोलता है इसको, खाजा ये भी खाजा बोला जाता है, ये खाजा जिसे हम गुजराती में मछली कहते हैं, ये मछली बोला जाता है, मछली बोला जाता है। ये पेंडा है, ये पेंडा, और ये ठोर है, ये ठोर, ये मिट्टी पूरी है, ये मिट्टी पूरी, ये बेसन का लड्डू है, बेसन के लड्डू, ये केसर के, वो केसर पेंडा है, केसर पेंडा, और ये कौन सी चीज से बनता है? ये आटे का बनता है, आटे का बनता है, गोमती घाट है नदी पीछे। अरे वाह, समुद्र सेतु है, गोमती घाट बीच है यहाँ का। क्या बात है, क्या बात है, मेरा नाम है अतुल भाई दवे, काम में बोलना मेरे लायक। अरे इस पे क्या लिखा है, काम बोलो, सब बोलता पैसा बोलो, मैं बोलो काम बोलो। क्या बात है, क्या बात है, आप देखिए यहाँ पे अतुल भाई ने क्या लिखा है, यहाँ पे काम बोलो, पैसा नहीं, सब पैसा नहीं, काम बोलो, काम बोलो। भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर के दर्शन तो नहीं करवा पाऊंगा, यहीं पे कर लीजिए भगवान के दर्शन। और ये अतुल, और ये है अतुल भाई। अतुल भाई कितने साल से दुकान है आपकी यहाँ पे? ये 20 साल से दुकान है मेरी। 20 साल से? 20 साल से। और भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है इनमें से? भगवान को थापड़ी पेंडा, थापड़ी पेंडा पसंद है। भगवान अब तक तो ठोर खाते थे, ठोर खाता सुबह मक्खन भी नहीं लगता है, वो थापड़ी पेंडा लगता है। अच्छा, और फिर क्या मंदिर में लगता है प्रसाद के तौर पर? यहाँ तो सब काजू किशमिश लगता है, 56 भोग लगता है, जैसे आपकी श्रद्धा। अभी सीजन कैसा है? मतलब सीजन बढ़िया भगवान का, बढ़िया है। कल पूर्णिमा का दिन है, हर रात उत्सव है भगवान का, कल 1 से 1.5 लाख आदमी होगा द्वारका में। क्या बात है, थैंक यू, जय द्वारका, जय द्वारका, जय गोमती माँ। कोई टंकी और फ्लो हो ही नहीं, यहाँ पे ये ढोकला, समोसा, ये है कचौरी, मिठाई, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अगर नाथद्वारा जाएंगे या द्वारिका आएंगे तो ये सबसे बड़ा मज़ा तो आपको ये दूध पीने में आएगा, और साथ में रबड़ी, रबड़ी है कि नहीं भैया? वो कैसे बनती है ज़रा दिखाएंगे, कहाँ पे है वो? तो तैयार है। अच्छा, तैयार है रबड़ी, ये है, ये ठंडी रबड़ी है, और ये दूध जो मिलेगा वो गर्म मिलेगा। अच्छा, इसका क्या है? 60 रुपये। और ये दूध का 30 रुपये। तो ये रबड़ी आपको मिलेगी ठंडी, लेकिन आज थोड़ा सर्दी वाला माहौल है तो हम ये दूध जो है गाढ़ा वो पीना पसंद करेंगे। चलो चचा, एक दूध पिलाओ। वो भी मलाई मार के, यू कैन सी मलाई जैसा, जो मलाई इसमें भरी जा रही है। क्या बात है, जैसा आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा होगा या बहुत ज़्यादा मतलब शुगरी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूध हल्का सा मीठा है, हल्का सा फीका है, लेकिन इसकी जो मलाई है वो ज़्यादा टेस्ट कर रही है। इट्स ग्रेट। वैसे तो गर्मी का माहौल है, लेकिन सर्दियाँ धीरे धीरे शुरू होगी अभी, तो आने वाली सीज़न के लिए ये बहुत ज़्यादा
बराबर मतलब सुटेबल रहेगा। श्री द्वारिकाधीश का मंदिर का ये परिसर पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आरक्षित घोषित किया गया है। बहुत अच्छी बात यह है कि इसके पुराने स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सो द्वारिका ट्रिप के पहले दिन के इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कल घूमेंगे हम, यहाँ से कुछ ही दूरी पे हैं शिवराजपुर बीच, उसके बाद हम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की और भी जाएंगे। और हाँ, सबसे बढ़िया बात यहाँ की बहुत ही जानी मानी फूड डिशेस जो हैं वो भी हम टेस्ट करने वाले हैं। आने वाले व्लॉग्स में आपको द्वारिका का बहुत ही बेहतरीन जायका भी मिलेगा, जिनमें से एक है जो सिर्फ और सिर्फ द्वारिका में मिलता है, खिचड़ी ओसामर, देखना मत भूलिएगा। और साथ में यहाँ की एक बहुत ही बढ़िया पाई जाने वाली छप्पन भोग लंच डिश, नहीं नहीं ये मंदिर की नहीं है, ये यहाँ के एक रिजॉर्ट की डिश है, आपको मैं वो भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और साथ में आपको लगे आज ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सस्ती से लेके महंगी रिजॉर्ट तक बहुत सारे स्टेइंग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर ट्रेन की, हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों से और गुजरात सिटी से भी, गुजरात के सारे ज़्यादातर मेन सिटीज से द्वारिका जुड़ा हुआ है। प्राइवेट बसेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय द्वारिकाधीश।